जब निर्जरा कॉलेज के लिए जाती रहती है और ये खिड़की आप देख पा रहेंगे छोटी छोटी फूल की जो डिजाइनिंग देख पा रहे होंगे ये फिलर देख पा रेंगे इसका भी व्यू हमें दे। और यहाँ पर बैठे रहते हैं सलमान खान निर्जरा से टिप्पण लेते हैं और खाना खाते हैं जो यहाँ पर ही शूट किया गया था इसी जगह पर सलमान खान और उनके दोस्त बैठे रहते हैं पर सरफराज खान और सलमान खान के बीच में झगड़ा होता है दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो बैकग्राउंड में हमें व्हाइट कलर का घर देखने को मिलता है ये व्हाइट कलर के घर में आप ये तीन खिड़कियां देख पाएंगे छोटी छोटी और एक नीचे आप बड़ी खिड़की देख पा रहे होंगे अंकल जी यहाँ पर कौन कौन सी फिल्म बनी है इस रेलवे स्टेशन पर यहाँ तो बहुत सी फिल्म बनी है तेरे नाम बनी है तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंचा हूं स्टेशन के जस्ट बाहर और स्टेशन के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है ये वो रेलवे स्टेशन है जो तेरे नाम मूवी में हमें दिखाया गया था आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है और अभी हम थोड़ी देर में अंदर चलेंगे और अंदर चल आपको अंदर का भी दिखाएँगे कौन सा सीन कैसे किस एंगल से शूट किया गया था अभी डायरेक्टली चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं मूवी के सीन तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आ गया हूँ स्टेशन के अंदर और आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है और आपने मूवी का वो सीन देखा होगा जब निर्जरा और उसके साथ में जो उसकी जो फ्रेंड होती है दोनों कॉलेज के लिए जाती रहती है तब बैकग्राउंड में हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है आप देख सकते हो ये नज़ारा आप देख सकते हो इसका व्यू हमें देखने को मिलता है बैकग्राउंड में जब निर्जरा कॉलेज के लिए जाती रहती है और ये खिड़की आप देख पा रही छोटी छोटी ये आप स्क्रीन शॉट में प्रॉपर मैच कर सकते हैं वो सीन मूवी का यहीं से फिल्माया गया था और आप देख सकते हो और एक सीन में हमें ये पिलर पर ये फूल की जो डिज़ाइनिंग देख पा रहे होंगे ये पिलर देख पा रहे होंगे इसका भी व्यू हमें देखने को मिलता है आप देख सकते हो मूवी का वो सीन है जो यहाँ पर ही शूट किया गया था इस स्टेशन पर ही शूट किया गया था और अभी आपको दिखाते हैं अगला सीन मूवी का कहाँ से लिया गया है और यहाँ पर एक दुकान बनी हुई है पता नहीं ये नई दुकान है या फिर उस टाइम की दुकान है तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मूवी में हमें इन पिलरों का भी नज़ारा देखने को मिलता है आज भी ये फिलर सेम टू सेम है जो हमें मूवी में देखने को मिले थे जब निर्जरा कॉलेज के लिए जाती रहती है तब रास्ते में सलमान खान और उनके दोस्त मिलते हैं और यहाँ पर बैठे रहते हैं सलमान खान निर्जरा से टिप्पन लेते हैं और खाना खाते हैं तो बैकग्राउंड में हमें इन पिलरों का व्यू देखने को मिलता है आप पिलरों की डिज़ाइनिंग प्रॉपर मैच कर सकते हैं मूवी का वो सीन है जो यहाँ पर ही शूट किया गया था इसी जगह पर सलमान खान और उनके दोस्त बैठे रहते हैं और नजर से टिप्पण लेकर खाना खाते हैं तो ये यह है यहाँ का नज़ारा आज भी हमें बिल्कुल सेम पिलर देखने को मिलते हैं जो हमने मूवी में देखे थे अभी चलते हैं मूवी के अगले सीन पर और आपको दिखाते हैं मूवी का अगला सीन जैसा कि दोस्तों आप ये नीम का पेड़ देख पा रहे होंगे ये वो नीम का पेड़ है जहाँ पर सरपराज खान और सलमान खान के बीच में झगड़ा होता है दोनों के बीच में लड़ाई होती है इस नीम के पेड़ के नीचे यानी कि सलमान खान बैठे रहते हैं और साइड में सरपराज खान खड़े रहते हैं और दोनों झगड़ते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पर ही झगड़ते हैं आप देख सकते हो आज भी ये पेड़ हमें सेम टू सेम देखने को मिलता है जो हमें मूवी में देखने को मिला था अभी चलते हैं नेक्स्ट सीन पर और आपको दिखाता हूँ अगला सीन कहाँ से शूट किया गया है अभी दोस्तों मैं पहुँचा हूँ रेलवे ब्रिज पर जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर से कुछ इस प्रकार से नज़ारा हमें देखने को मिलता है आपने मूवी का वो सीन देखा होगा जहाँ पर राधिका चौधरी जो भिखारी का जो रोल करती है जहाँ पर स्टेशन पर चाय पीती रहती है तब कुछ गुंडे लोग उसको छेड़ते हैं तब सलमान खान गुंडे लोगों की पिटाई करते हैं तो हमें मूवी का एक सीन है जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है आप देख सकते हो मैं स्क्रीन लगा दूंगा जिसमें प्रॉपर आप देख सकते हो ये जो रेड कलर की जो छत देख पा रहे होंगे इसका व्यू हमें देखने को मिलता है और अभी चलते हैं नेक्स्ट सीन पर और आपको दिखाते हैं अगला सीन जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मूवी के एक सीन में हमें इस घर का व्यू देखने को मिलता है आप ये घर देख पा रहे होंगे जब सलमान खान कुछ गुंडे लोगों की पिटाई करते हैं तो बैकग्राउंड में हमें ये घर का नज़ारा देखने को मिलता है तो दोस्तों मूवी का एक सीन है जो इस एंगल से शूट किया गया था आप देख सकते हो जब सलमान खान और सरपराज खान आपस में झगड़ते हैं दोनों लड़ाई करते हैं तो बैकग्राउंड में हमें ये वाइट कलर का घर देखने को मिलता है ये वाइट कलर के घर में आप ये तीन खिड़कियां देख पा रहेंगे छोटी छोटी और एक नीचे आप बड़ी खिड़की देख पा रहे होंगे ये आप स्क्रीन शॉट में प्रॉपर मैच कर सकते हैं और साइड में आप ये नीम का पेड़ देख पा रहे होंगे ये भी आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं और ये पिल्लर आप देख पा रहे होंगे ये भी आप स्क्रीन शॉट में प्रॉपर मैच कर सकते हैं दोस्तों मूवी का वो सीन है जो इसी एंगल से शूट किया गया था आप देख सकते हो और आप देख सकते हो ये स्टेशन का नज़ारा और अभी स्टेशन पर काफ़ी बदलाव हो चुका है आप समझ सकते हो मूवी को बने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और अभी स्टेशन काफ़ी मॉडिफाइड भी हो चुका है आप देख सकते हो उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल वगैरह ट्रेन नहीं चलती थी ओनली सिंपल रेलवे स्टेशन था उस टाइम पर आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइन भी डाल रखी है अभी प्रजेंट में यहाँ पर काफ़ी मॉडिफाइड हो चुका है और ये आप ब्रिज देख पा रहेंगे ये नया ब्रिज बनाया गया है और पहले जो मूवी में जो ब्रिज दिखाया गया था वो थोड़ा अलग ब्रिज था उसको हटा दिया गया है और ये नया ब्रिज बनाया है आप देख सकते हो तेरे नाम मूवी में जो रेलवे स्टेशन दिखाया गया था जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जो रेलवे स्टेशन दिखाया था वो है देवलाली रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र राज्य में यानी कि नासिक जिले में ये रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड पर आप देख सकते हो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है देवलाली रेलवे स्टेशन तेरे नाम मूवी में जो रेलवे स्टेशन दिखाया गया था दोस्तों ये वही रेलवे स्टेशन है तो दोस्तों फाइनली अभी हम रेलवे स्टेशन का जस्ट बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ के रहने वाले अंकल जी हमें मिले हैं तो हम इनसे पूछेंगे यहाँ पर कौन कौन सी फिल्में बनी है ये हमको बताएंगे अभी राम राम अंकल जी नमस्ते अंकल जी अंकल जी यहाँ पर कौन कौन सी फिल्में बनी है इस, इस रेलवे स्टेशन तो पर यहाँ तो बहुत सी फिल्म बनी है ते तेरे नाम बनी है और उसके बाद में कौन सी बहुत तेरे नाम ऐसी बहुत सी फिल्में बनी है जो मेरे लिए आदमी है अच्छा अच्छा आपने आपने देखा था मूवी जब शूटिंग हुई थी उस टाइम यही थी ना अभी देखो ब्रिज जो तो टूटा है ना वो ब्रिज ये, ये तो अच्छा, को हटा अब वो हटा दिए अच्छा अच्छा काफी चेंजिंग हो चुका है अभी सामने वो नया जो ब्रिज बनाए उसके आगे चाहिए गेट है ना हाँ गेट इधर बाथरूम में अपना

डेढ़ दो महीने चलते चले जाने के अच्छा अच्छा लोग मुंबई से मुंबई से आते हैं और फिर चले जाते हैं करके तो अच्छा, और ये जो जो उनके हेल्पर जो लेवल लोग हाँ तो यहाँ अच्छा 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 वैसे काफी चेंजिंग हो चुका है अभी तो बहुत बोलते बहुत काफी बोलते बहुत सी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई नाचिक रोड में तो दोस्तों अभी हमें अंकल जी ने बताया यहाँ के बारे में यहाँ पर यानी जो मूवी में जो ब्रिज दिखाया जाता है ना वो अभी लगभग डेढ़ साल पहले तोड़ दिया गया है और नया ब्रिज आपको मैंने दिखाया है वीडियो के माध्यम से अभी वो फिलहाल वही ब्रिज है और अंकल ने खुद ने यहाँ पर शूटिंग देखी थी तब तेरे नाम मूवी की जो शूटिंग हुई थी ना खुद अंकल ने तेरे नाम मूवी की शूटिंग देखी थी अरे यहीं थे हम लोग ना अंकल जी यहाँ पर ही थे और रोज मुंबई से शूट करने के लिए आते थे और यहाँ से चले जाते थे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर काम भी किया है तो ठीक है अंकल जी धन्यवाद अंकल जी आपको बहुत बहुत है ना ठीक है तो दोस्तों अभी मैं देवलाली रेलवे स्टेशन से निकल चुका हूँ और अभी मुझे जाना है नासिक रोड उसके लिए मुझे ऑटो करना होगा क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर में ऑटो वगैरह नहीं है अभी फिलहाल दोपहर का समय है और तेरे नाम मूवी में जो भी सीन दिखाया गया था वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ इस रेलवे स्टेशन पर वीडियोस वगैरह बनाना अलाव नहीं है फिर भी जैसे तैसे करके मैंने वीडियो बनाई है और बाहर एक अंकल जी मिले थे उन्होंने भी यहाँ के बारे में रिव्यू दिया है और जो तेरे नाम मूवी में जो रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है वो देवलाली रेलवे स्टेशन है जो कि नासिक ज़िले में स्थित है तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में तब तक, तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत